हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड. स्टूडेंट्स, इन आर लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द फाइव क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 23 इन कंप्लीट रिकॉर्ड्स. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्दर क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मीन्ट बाय द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? वी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इन द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. व्हाट्स दैट मीन? स्टूडेंट, द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक्चुअली a statement which shows capital at the end and beginning at the end and their balances. If the balance, if I'm saying the capital at the end is more than the beginning one, then it shows the profit balances and vice versa. So students, statement of affairs actually ज़्यादा कुछ नहीं, आपको आपके profits की calculation show करती है only with the help of capital. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट थ्री पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट. व्हाट आर द थ्री पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट? सी स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट इज टोटली डिपेंड ऑन द लेजर अकाउंट्स, राइट? विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर लेजर्स वी प्रिपेयर बैलेंस शीट, बट एट द टाइम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नो लेजर विल बी रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयर दैट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. ओके, एंड द नेक्स्ट वन, see, at the time of balance sheet it is based on the double entry system and at the time of statement of affairs totally based on the single entry system. Yes, balance sheet is more reliable because it considered ledger accounts and as compared to statement of affairs it is less reliable. Next question is, why is statement of affairs not called a balance sheet? Why? क्यों नहीं बोला जाता स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को बैलेंस शीट? तो आप सेम क्वेश्चन जो हमने डिफरेंस क्रिएट किया यहाँ पर बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, आप सेम डिफरेंस जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस डिफरेंस में एक्चुअल में बैलेंस शीट की इम्पोर्टेंस को बताया गया है कि क्यों बैलेंस शीट जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा कन्वीनियंट है अगर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के मुकाबले उसे यूज़ करते हैं. Why are the drawings added to closing capital इन अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस? हम क्लोजिंग कैपिटल को ऐड क्यों करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के टाइम पे? देखिए बच्चों, जो प्रोसेस रहता है यहाँ पर, हमारे पास शुरुआत में क्लोजिंग कैपिटल होती है, उसके बाद हमें ओपनिंग कैपिटल जो है वो हमें निकालना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है. तो ऐसे में जो पूरा प्रोसेस होता है वो रिवर्स हो जाता है. तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई ड्राइंग्स आर एडेड टू क्लोजिंग कैपिटल, कि ड्राइंग को क्लोजिंग कैपिटल में ऐड क्यों किया गया. रीज़न ये है बच्चों, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल जब हम ओपनिंग कैपिटल हमारे पास होती है तो ओपनिंग कैपिटल में तो हम ड्राइंग को लेस करते हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल को ड्राइंग में ऐड क्यों किया गया? देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ड्राइंग को लेस क्यों करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी ऑनर जो है अपने बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, तो उससे उसकी कैपिटल जो है वो कम हो रही है. इसी वजह से हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग को लेस करते हैं और इस पूरे प्रोसेस की मदद से हम क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचते हैं. अब हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाना है तो डेफिनेटली जो प्रोसेस रहा होगा वो रिवर्स हो जाएगा. हमने ड्राइंग को उस टाइम पे लेस किया था तो अब हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. दैट्स व्हाई इट विल बी ऐड. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ नोट ऑन द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम. सिंगल एंट्री सिस्टम पे हमें एक नोट जो है वो मेंशन करना है. वैसे तो हमें मालूम है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, इसे कंसीडर नहीं किया गया है अकॉर्डिंग टू द लॉ. क्यों? क्योंकि ये कोई आपको रिलायबल वैल्यू जो है कंसीडर नहीं करता. सो इन ऑर्डर टू असर्टेन प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द मेथड, दिस इज नेसेसरी टू कैलकुलेट कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ द ईयर. तो आपके पास दोनों कैपिटल होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं. सो कैपिटल एट द बिगिनिंग इज कैलकुलेटेड बाई प्रिपेयरिंग ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड सिमिलरली कैपिटल एट द एंड इज कैलकुलेटेड बाई क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. प्रिपेयर अ टोटल डेटर अकाउंट विद इमेजिनरी फिगर. सी स्टूडेंट, आपको एक डेटर अकाउंट बनाना है, नो नीड टू सी दिस परफॉर्मा, बिकॉज आपको पता है कि हम जो हमारा ओपनिंग डेटर अकाउंट है वो कैसे बनाएंगे. सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंसेस गिवन होंगे, उन्हें हम कहाँ शो करेंगे, बिकॉज डेटर इज एन एसेट, तो हम उसे डेबिट साइड शो करेंगे. सो वर्डिंग विल बी टू बैलेंस बी डी.
ठीक है जी, यहाँ पर इस परफॉर्मे में ये चीज़ मेंशन भी नहीं की गई है, इसको स्किप कर दीजिए। हमें मालूम है कि जो क्लोजिंग कैपिटल है वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, सो बाय बैलेंस सी डी, और ओपनिंग में क्या था, टू बैलेंस बी डी। अगर आपका जब भी डेटर्स बढ़ रहे हों तो इट विल बी कंसीडर डेबिट साइड, अगर आपके डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, पेमेंट कर दी आपने डिक्रीज हो गए, तो इट मीन्स हम उसे कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड। ओके, नेक्स्ट है जी, प्रिपेयर अ टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। अगेन बच्चों, हमें इमेजिनरी फिगर्स के साथ, मैंने आपको एक बार टेस्ट में दिया था, इमेजिनरी फिगर का मतलब होता है अपने आप से वैल्यूज़ को फिल करना, जैसे इन्होंने यहाँ पर वैल्यू को फिल करके दिखाया हुआ है, लेकिन जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर होना चाहिए, कोई भी आइटम इसके अंदर मिस नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड अ फॉर्मेट। ठीक है जी, ये नहीं है कि आपने सेलेक्टेड चार आइटम शो कर दी, पाँच आइटम शो कर दी, नहीं, फॉर्मेट का मतलब है उसके अंदर जितनी भी आइटम्स हैं सभी आइटम्स आपने क्या करनी है, कंसीडर करनी है। ऑलराइट, सो हमें मालूम है क्रेडिटर्स जो होते हैं वो हमारा लाइबिलिटी साइड ट्रीट किया जाता है और इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, सो ओपनिंग क्रेडिटर्स आप शो करेंगे क्रेडिट साइड और क्लोजिंग आप शो करेंगे डेबिट साइड। उसके अलावा जब भी आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो रहे हों उन्हें हम क्रेडिट साइड शो करेंगे, और अगर डिक्रीज़ हो रहे हों तो उन्हें हम डेबिट साइड शो करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, कल बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।